आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दयाराम सोरी है। आप कहाँ से रिटायर हुए हैं? मैं मारुति उद्योग से रिटायर हुआ हूँ। आपने मारुति उद्योग में एक SC ST की एसोसिएशन बनाई थी? जी हाँ। उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि जब हमने मारुति ज्वाइन की तो देखा वहाँ पर हमारे SC ST भाइयों का कोई रिक्रूटमेंट, कोई सही ढंग से रिक्रूटमेंट नहीं था और उनकी जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट थी बिल्कुल ही जीरो के बराबर थी। यानी मारुति उद्योग लिमिटेड जो गवर्नमेंट की कंपनी थी उसमें कोटे का कोई भी कोई नाम निशान नहीं था, नाम नहीं था। तो आपने उसके लिए आंदोलन वहाँ शुरू किया, वहाँ एसोसिएशन बनाई, आंदोलन शुरू किया और उसके बाद में इतना असर हुआ मैनेजमेंट के ऊपर कि कुछ सालों तक तो 100% रिक्रूटमेंट SC ST की होने लगी। ये फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। आंदोलन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आंदोलन की प्रेरणा देखिए ऐसा है कि जब हमने बाबा साहब के प्रावधानों से दिए हुए जो हमें सहूलत मिली और उसकी वजह से हमने एजुकेशन ली, जैसे रिजर्वेशन की वजह से हमें एडमिशन मिला इंजीनियरिंग कॉलेज में और रिजर्वेशन की वजह से हमें जैसे नौकरी मिली, सबसे पहले मेरी नौकरी थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की, तो हमने ये सोचा कि भाई ये हमें जो इतने जो हमें सहूलत मिल रही है किसकी बदौलत मिल रही हैं, तो हमने क्योंकि हमें वैसे एजुकेशन तो क्योंकि हमारे परिवार भी में हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हैं जी, आप पंजाब से हैं? हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ। फोर अमृतसर, और फोर फादर हमारे मध्य प्रदेश से हैं। तो आपकी एजुकेशन आपके यहाँ तीसरी पीढ़ी के हो आप या दूसरी पीढ़ी के हो एजुकेशन में? एजुकेशन में हम दूसरी पीढ़ी के हैं। आपके फादर भी पढ़े हुए थे और आप? हाँ, वो इतने ज़्यादा नहीं पढ़े थे, 7वीं 8वीं तक ही पढ़े हुए थे, मगर पढ़े हुए थे। हाँ, सिर्फ दुख इस बात का है कि अगर वो ज़्यादा पढ़े होते तो शायद ये हमारे जो जागृति है ना वो पहली पीढ़ी से ही आ जाती। फिर आपने ऑल इंडिया कन्फेडरेशन भी बनाया? हाँ जी, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन भी बनाया SC ST। वो किसने बनाया था, किस कारण से बनाया? वो इसलिए बनाया था कि हमने हर एक लेवल पर जाके हम अपने सब भाइयों को इकट्ठा करें और जो भी हमारी समस्याएं हैं उनके लिए एक सामूहिक रूप से इकट्ठे होके उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी है जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे और सामूहिक रूप से आप उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो अनियमितताएं हुई थी कन्फेडरेशन के अंदर उसके लिए आपने आवाज़ उठाई? आवाज़ मैंने बहुत उठाई लेकिन पब्लिक ने, आम जनता ने कोई साथ नहीं दिया। और आपने फिर उसको छोड़ दिया? नहीं, ऐसा है कि जब मौका मिलते हैं हम आवाज़ उठाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने छोड़ा नहीं है। वो हम गुस्सा अभी भी हमारे मन में वो इसलिए है कि समाज का अगर ये जो संगठन क्या बोलते हैं डीरेल हो जाते हैं, अपनी पटरी से उतर जाते हैं, इसके क्या कारण रहते हैं? उसका कारण यही है कि जो लोग समाज के साथ गद्दारी करते हैं। किस तरह की गद्दारी करते हैं? कि उनसे समाज के नाम पर समाज के कार्य के लिए उनके लिए पैसा लेते हैं लेकिन वो पैसा बजाय समाज के ऊपर लगाने के लिए अपने पर्सनल उसको इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग फिर साथ देना छोड़ देते हैं। पैसे का ऐसा मांगा उनसे? बहुत बार मांगा। फिर मिला आपको? बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या किया फिर? पब्लिक को जगाने का काम किया कि ये हिसाब नहीं देते तो कुछ जगाया जाए? हमने बहुत कोशिश की। जो ये जो संगठन है, जो परिसंघ आपने बनाया था, उस परिसंघ में क्या अपने उद्देश्य को प्राप्त हुआ? वो नहीं उद्देश्य से, क्योंकि जब वहाँ पे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी या उच्च पदाधिकारी थे उनके जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट आ गए थे तो फिर प्रसंग का उद्देश्य वो तो डाइवर्ट हो गया, वो डाइल्यूट हो गया। फिर तो ये पब्लिक का जो नुकसान हुआ इतना, जो पब्लिक ने पैसा दिया, जो भरोसा किया, जो काम दिया, उसके लिए उसको कैसे बचाया जाए? उसको यही है कि जब तक हम लोग खूब सब जागरूक नहीं हो जाएंगे और हम इन लोगों को जो समाज के साथ गद्दारी करते हैं इनको अगर हम इनका बाइकॉट नहीं करेंगे जब तक हम ये समाज सुधरने वाला नहीं है। तो इसको हम बाइकॉट कैसे करेंगे, कैसे जगाएंगे? ये हमें पब्लिक ओपिनियन बनानी पड़ेगी, उन लोगों को घर घर में जाके उजागर करना पड़ेगा कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग समाज का पैसा इकट्ठा करके अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, समाज के ऊपर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा रहे। जनता और पब्लिक तो बहुत भोली भाली होती है, वो कैसे पहचानेगी कि ये नेता ठीक है, ये नेता गद्दार है? नहीं, वो तो देखिए आपको सबको पता लग जाता है, जब आप देखते हैं किसी का कार्यक्रम देखते हैं या उसकी कार्य गतिविधियां देखते हैं तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या सेल्फ इंटरेस्ट है या समाज का इंटरेस्ट है। जनता तो एक बार सहयोग देके और पैसा देके भूल जाती है, उसके पास उतना समय नहीं होता। नहीं, जो जागरूक आदमी है, जो समाज से जुड़े रहते हैं, जो समाज की समस्याओं पर गंभीर है, वो हमेशा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं और वो सब मगर सोचते हैं। तो उस आदमी को बाहर निकाल देता है संगठन जो हिसाब मांगता है, उसका क्या करें? यही हो रहा है, यही दुख का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि जो हिसाब मांगता है उसको साइड ट्रैक कर दिया जाता है, फिर उसकी आवाज़ कहीं उठती नहीं है। अब एक सोशल मीडिया ही रह गया जिसके तहत हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और हम समाज को जागरूक करते हैं कि भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको लूट रहे हैं और जो समाज का पैसा लेके और अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहे हैं।
तो पब्लिक जगी रहे, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? हम ये कहेंगे कि जब भी आप अपना कुछ भी आप कहीं भी दान देते हैं या कुछ भी सहयोग देते हैं, तो उनको उनसे आप ये रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने कार्यक्रम में और आप जो भी आपकी गतिविधियाँ उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ भाई ये जो इन्होंने जो समाज के लिए जो बोला है, जो समाज के लिए इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, वाकई में समाज के ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी हम इसमें कामयाब होंगे, अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो हमें हर कोई आएगा, नेता बनेगा और हमें ऐसे धोखा दे के जाता रहेगा और हमारा समाज फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।